आप सब कैसे हैं। आज सिखाऊंगी ये फूल वाला डोरमेट। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूं। ये फूल वाला डोरमेट ये बहुत ही प्यारा बना है और इसको बनाएंगे किस तरीके से वो देखें। हमने 20 फिंदे हमने ये नीचे की साइड पे डाले हैं और 20 फिंदे हमने ऊपर की कलर से डाले हैं येलो कलर से, और फिर यही कलर हमने ये 6 फिंदे यहाँ पे डाले हुए हैं, 6 फिंदे यहाँ पे डाले हुए बीच में हमने 6-6 फिंदे रखे हुए हैं, तो टोटल हमारे पास 32 फिंदे हैं। तो देखें किस तरह से बनाएंगे। ये हम शुरुआत से ही बता रही हूँ, इसी तरह से आप फिंदे डालिएगा जिस तरह से मैंने बताए, 10 फिंदे नीचे, फिर 6 फिंदे, फिर 6 फिंदे, फिर 10 फिंदे ऊपर। अब देखें शुरुआत बनाने की। यहाँ पे हम 9 फिंदे बिनेंगे, ये देखो 9 फिंदे बिन लिए। अब ये एक कलर, एक ये जो फिंदा है येलो कलर का, तो ये बैंगनी कलर हो जाएगा। अब देखें नीचे की तरफ से, अब बैंगनी वाला येलो कलर का हो जाएगा। अब फिर से देखें येलो वाला फिर से बैंगनी हो जाएगा। और नीचे की साइड पे हम 2 फिंदे बगैर बुने हुए छोड़ देंगे। ये देखो 2 फिंदे मैंने छोड़ दिए, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब जो जैसा है उसे वैसा ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखें उल्टी तरफ, अब यहाँ पे हम अभी 9 फिंदे बिने थे, अब 8 फिंदे बिनूंगी। ये देखो 8 फिंदे बिन लिए। अब फिर से ये येलो वाला फिंदा ये बैंगनी कलर हो जाएगा, और नीचे की तरफ से बैंगनी वाला फिंदा है वो येलो कलर का हो जाएगा। मैं इन्हीं फिंदों में मैं बना रही हूँ, और ना कोई फिंदे बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं। ये देखें फिर से, अब यहाँ पे भी देखें येलो कलर वाला बैंगनी हो जाएगा, और नीचे की तरफ से हम 2 फिंदे बगैर बुने हुए छोड़ देंगे। ये देखो हमने छोड़ दिए, सिलाई को यहीं से पलट लिया है। ये देखो अब 7 फिंदे बिन लिए, अब फिर से एक बैंगनी हो जाएगा। हर उल्टी सिलाई में एक बैंगनी करना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरह से ये डिजाइन चलती रहेगी। ये देखो बैंगनी वाला येलो और येलो वाला नीचे की साइड से बैंगनी होता जाएगा। अभी ये कली ऊपर की तरफ जा रही है, और 2-2 फिंदे हम नीचे की साइड से छोड़ते जाएंगे बगैर बुने हुए। ये देखे हमने छोड़ दिए, सिलाई को यहीं से पलट लिया है। अब जो जैसा कलर है उसी कलर से बनाना है। ये देखो यहाँ पे 2 फिंदे बचेंगे, बाकी ये 5 फिंदे हैं, एक एक करते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से। तो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें इसी तरह से बनाना है, एक एक फिंदे को ऊपर की साइड पे करते जाना है। येलो वाला बैंगनी करते जाएंगे, बैंगनी वाले को येलो करते जाएंगे, इसी तरह से हम ऊपर तक पहुंच जाते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो मैंने बना लिया है, अब यहाँ पे 2 फिंदे रह गए। अब ऊपर की साइड देखें 2 फिंदे बचे हुए हैं। अब देखें यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 16 फिंदे मैंने नीचे की साइड पे छोड़ लिए 2-2 करते हुए। तो
दो दो करते हुए 16 फिंदे छोड़ लिए। 16 फिंदे एक एक हैं और वैसे 8 फिंदे हैं, 8 दूनी 16, तो इस तरह से हमने 16 फिंदे ये छोड़ लिए हैं। बाकी फिंदे इसी तरह से रहे, इनको कुछ नहीं करना है। अब देखें, अभी ऊपर की तरफ जा रहे थे, अब हम नीचे की साइड पे जाएंगे। तो नीचे की साइड पे किस तरीके से जाएंगे ये देखें। देखिए बैंगनी वाला है वो येलो कलर हो जाएगा। अब ये देखें बैंगनी वाला है येलो कलर वाला, अब बैंगनी हो जाएगा एक फिंदे को नीचे की तरफ से। अब यहाँ पे देखें नीचे की साइड पे, आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ और बहुत जल्दी बनने वाला है ये, बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कोई झंझट भी नहीं है। ये देखें बैंगनी वाला है, हमने येलो कर लिया। अब देखें यहाँ पे तीन फिंदे हमने, दो फिंदे नीचे की साइड पे बिन लिए, दो फिंदे मेरे पास थे और सिलाई को यहीं से मैंने पलट लिया है। अब देखें यहाँ पे तीन फिंदे थे, अब चार फिंदे हो जाएंगे। एक हमने फिर देखो बैंगनी वाला येलो कलर कर लिया, तो चार फिंदे हो गए। जो बीच में फिंदे रहते हैं वो बराबर ही फिंदे चलते हैं। ये देखें येलो वाला बैंगनी हो गया। फिर से देखें बैंगनी वाला येलो हो जाएगा। अब देखें नीचे की साइड से फिर से दो फिंदे बिन लेंगे। अब यहाँ पे गैपिंग है, इसको इस तरह से उठाएंगे और दूसरे फिंदे के साथ में बिन दूंगी और सिलाई को पलट लूंगी इस तरीके से। तो पलटती जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ। सीधी तरफ से हमें सिर्फ फिंदे बनाने होते हैं, इधर हम कुछ नहीं करते हैं, ना कोई फिंदे बढ़ाते हैं ना कोई फिंदे हम घटाते हैं। फिर से देखें अभी चार फिंदे थे ऊपर की साइड पे, अब पांच फिंदे हो जाएंगे। पांच हो गए, इसी तरह से पांच और होंगे तो 10 फिंदे ऊपर हो जाते हैं। फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 फिंदों तक हमें बनाना है। ऊपर की साइड पे 10 फिंदे हो जाएंगे और नीचे की साइड पे ये सारे फिंदे बिन जाएंगे दो दो करते हुए। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको आगे का बताती हूँ। देखो बन गया है, 10 फिंदे ऊपर हो गए, 6 फिंदे यहाँ, 6 फिंदे यहाँ, 10 फिंदे नीचे। ये देखें तो पूरी ये कली कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जिस तरह से हमने फिंदे डाले थे उसी तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे आप। तो देखें इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, आप भी बना लीजिएगा, फिर मैं आपको दिखाती। देखो मैंने बना लिया है, इसको उतारना इस तरह से है, जो जैसा कलर है उसी कलर से उतारना है, नहीं तो आप जब दूसरे कलर से उतार दें तो यहाँ से ज्वाइंट दिखेगा, ज्वाइंट नहीं दिखना चाहिए। आप पीले से है तो पीला उतारेंगे, ये बैंगनी से है तो हम बैंगनी से उतारेंगे। अब मैं इसको सिलना बताऊंगी, तो ये देखें किस तरह से सिला जाएगा। ये देखो यहां से इसको मिलाते हुए सिलना है, जो जैसा कलर है उसी कलर से सिलते जाना है और यहाँ तक सिल लेना है। तो मैं सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है।